जैसा कि आज आप लोगों को पता है कि दिशा परमार का जन्मवार है, जन्मदिवस है, हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे दिशा। और ऐसे में राहुल वैद्य घर के अंदर दिशा को विश कर रहे हैं, वहीं घर के बाहर दिशा के फ्रेंड्स जो हैं दोस्तों वो उन्हें विश कर रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि जब दिशा से पूछा गया राहुल वैद्य के इस प्रपोजल का सवाल, वो जो प्रपोज उन्होंने टी शर्ट विशर्ट में लिखकर करा है, तो इस पर दोस्तों दिशा शर्मा गई। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। आप सभी दर्शकों को बता दूं, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। ऐसे में दिशा परमार बहुत ही क्यूट तरीके से शर्मा गई जब राहुल वैद्य का नाम लिया गया। ये इंस्टाग्राम स्टोरी है, मैं आवाज नहीं चला सकता, लेकिन आपको रिएक्शन दिखा सकता हूं कि दिशा कितने प्यारे से शर्मा गई जब उनसे पूछा जाता है कि ये जो है ये आप इस दिन के लिए क्यों इतनी खुश हैं। और प्लस इसलिए तो खुश नहीं कि नेशनल टेलीविजन पे किसी ने आपको प्रपोज किया, और दिशा ऐसे करके केक काट रही थी, ऐसे करके शर्मा जाती है। आई शो यू, वेट सी, दिस इज दिशा। ये उनसे पूछा जाता है, वो थैंक यू कहती है और वो बोलती है थैंक यू सो मच। एंड इस पे ये देखो ये अभी शर्माती है। सी हाउ क्यूट। सो दिशा के फ्रेंड्स जो हैं दिशा के पास पहुंचे केक लेकर और दिशा से पूछ ली बात कि दिशा इतनी ज्यादा खूबसूरत आप लग रहे हो और प्लस आप इतनी ज्यादा खुश हो, कहीं इसलिए तो नहीं कि नेशनल टेलीविजन पे प्रपोज किया इसकी वजह से? तो दिशा शर्मा जाती है दोस्तों। वैसे आपको क्या है कहना इस बात को लेकर, दिशा के इस क्यूट रिएक्शन को लेकर? कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे जरूर बताएं। बने रहिए फीफा फूज के साथ। वैसे राहुल भाई को कितना मस्त लगेगा ना कि जब उन्हें पता चलेगा कि दिशा का इस तरीके से रिएक्शन आया है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे फीफा फूज की दिशा को जल्द से जल्द हम अपने चैनल में लाएं। आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड प्लस क्या लगता है कि राहुल को सपोर्ट करने के लिए दिशा जाएंगी घर के अंदर, मतलब जब वो घर के अंदर जाना होता है ना फैमिली एंड फ्रेंड्स को? तो सारी बातें बोल दीजिए, बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज। चलता हूं।